नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहन व अभिभावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा प्रथमा के अंदर विषय अंग्रेजी के अंदर वर्तनी का ज्ञान कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने एन की वर्तनी का ज्ञान किया था, चार एन की वर्तनी थी उसका ज्ञान किया। आज के इस वीडियो में हम आगे ओ की वर्तनी का अभ्यास करेंगे। ओ की चार वर्तनी है, उस चार वर्तनी का हम भैया बहनों को बार बार बोलवाएंगे और उनको लिखवाएंगे तो उनको याद होगा। इस प्रकार से ओ की पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा प्रथमा में चार वर्तनी है। ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। ओ डब्ल्यू एल आउल, आउल यानी उल्लू। ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा। ओ एन आई ओ एन ऑनियन, ऑनियन यानी प्याज। इस प्रकार ओ की चार वर्तनी है, तो चार वर्तनी भैया बहन याद करेंगे। तो इन वर्तनियों को हम चित्रों के माध्यम से भी भैया बहनों को याद करवा सकते हैं। जैसे पहली वर्तनी है ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। तो भैया बहन चित्रों के माध्यम से उस वर्तनी को याद करने में अच्छी रुचि रखते हैं और अच्छी तरह से उनको याद हो जाती है। इस प्रकार से दूसरी वर्ती है आउल की, ओ डब्ल्यू एल आउल यानी उल्लू। तो देखो भैया बहनों, ये चित्र किसका है? उल्लू का। किसका चित्र है? उल्लू का। अब उल्लू की वर्ती क्या हुई? ओ डब्ल्यू एल, ओ डब्ल्यू एल आउल, आउल यानी उल्लू, आउल यानी उल्लू। क्या है ये? उल्लू। क्या है इसकी वर्ती? ओ डब्ल्यू एल आउल, आउल यानी उल्लू। इस प्रकार भैया बहन चित्र देखकर वर्तनी को जल्दी से सीख लेते हैं। तीसरी वर्तनी है ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा। ये किस, क्या है भैया बहनों, दिख रहा है आपको? अच्छा, कौन सा फल है? संतरा। आपने खाया ना? कैसा होता है, मीठा या खट्टा? अच्छा खट्टा है ना, तो ये संतरा, ऑरेंज यानी संतरा। अभी इसका मौसम है और सभी भैया बहनों के घर पर पर्याप्त मात्रा में फल फ्रूट आ रहे हैं, उसी में ये ऑरेंज संतरा है। तो ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा। तो इस प्रकार चित्रों के माध्यम से भैया बहन जल्दी से वर्तनियों को सीख लेते हैं, रुचि रखते हैं। इसी प्रकार चौथी वर्ती है ओ एन आई ओ एन, ओ एन आई ओ एन ऑनियन, ऑनियन यानी प्याज, ऑनियन, ऑनियन यानी प्याज। प्याज का चित्र देखा आपने? अच्छा, तो सभी के घर में प्याज का उपयोग होता है ना? अच्छा, तो देखिए प्याज का चित्र, ओ एन आई ओ एन ऑनियन, ऑनियन यानी प्याज। तो इस प्रकार से भैया भाई चित्रों के माध्यम से वर्तनी जल्दी सीख लेंगे। चित्र देखेंगे ना, चित्रों के माध्यम से भैया भाई वर्तनी सीखेंगे और बोलेंगे। तो आप तो पाठ्यपुस्तक के अंदर भी चित्र है और अपने दूसरे चित्रों के माध्यम से सहायता से भैया बहनों को इस प्रकार से वर्तनी याद करवानी। फिर पुस्तक के अंदर रिक्त स्थान दिए गए हैं, बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला। तो बड़ी वर्णमाला के ओ लिखना और छोटी वर्णमाला का ओ लिखना, इस प्रकार का अभ्यास पुस्तक में ही कराना, ताकि भैया बहन उस पुस्तक
सारी वर्णी है वो याद हो जाएगी और वो बोलते रहेंगे। इस प्रकार सभी से आपसे निवेदन है कि घर पर भैया बहनों को पाठ्य पुस्तक कॉपी स्लेट उसमें लिखकर याद कराने का अभ्यास करावे, प्रयत्न करावे। धन्यवाद।